अगर आप नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटीज़ अच्छे से करें। अब जब आप एनसीईआरटीज़ अच्छे से कर रहे हैं तो एक और प्रश्न यहाँ पर उठता है, वो ये है कि जो एनसीईआरटी आपको करनी है वो कौन सी होनी चाहिए, नई एनसीईआरटी होनी चाहिए या पुरानी एनसीईआरटी होनी चाहिए। देखिए, रिसेंट में एक क्वेश्चन में कॉन्ट्रोवर्सी थी 2024 के पेपर में, और फिर फाइनल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये पाया गया कि नई एनसीईआरटी के आंसर को सही माना जाएगा। तो अब मान लीजिए कि आपके पास एनसीईआरटी है, आप मार्केट से लाए हैं, फ्रेंड से ली है, कलीग से ली है, किसी सीनियर से ली है, और अब आप ये देखना चाहते हैं कि ये एनसीईआरटी लेटेस्ट एडिशन है या नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए तरीका बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, हम ऑफिशियल जो है वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि एनसीईआरटी की वेबसाइट है, और इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जाके क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि 11th क्लास सेलेक्ट करते हैं और फिर आप यहाँ पर सब्जेक्ट डालते हैं, जैसे बायोलॉजी डालते हैं। फिर आपको यहाँ पर बुक्स तीन भाषा में दिखेंगी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। आपकी जो भी भाषा है आपको उसमें सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ इंग्लिश का सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम गो कर देते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर गो करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हम नई एनसीईआरटी, जो बायोलॉजी की लेटेस्ट एनसीईआरटी है क्लास 11th की, उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। और जब हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं तो इसमें सारे के सारे चैप्टर्स आपके ओपन हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी चैप्टर पर जाके क्लिक करना है ओपन, और आपको टैली करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पास जो एनसीईआरटी पड़ी है आप उसमें क्या टैली करेंगे, सबसे पहली चीज़ आप ये टैली करेंगे कि ये कितने पेज के हैं, तो रफ आपको आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर में कोई चेंज है या नहीं है। फिर आप हर पेज के एंड में या स्टार्टिंग में जाके रफली टैली कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सिर्फ एक चैप्टर में टैली नहीं करना है, आपको बहुत सारे चैप्टर्स के अक्रॉस ये टैली करना है, क्योंकि कुछ कुछ सेक्शंस में से कंटेंट डिलीट हुआ है, कुछ में ऐड हुआ है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए आप ये कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहीं से जो है वो डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि एनसीईआरटी की वेबसाइट में अक्सर आप देखेंगे कि फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, जैसे कि अभी कई बार आपको दिख रहा है कि पेज स्लो लोड हो रहा है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि आज मैं ये चैप्टर करता हूँ और उसी टाइम आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो हो सकता है आप उसको एक्सेस कर पाएँ, हो सकता है किसी वजह से वहाँ पर आपको वो स्लो मिले। तो आप अगर बेटर ऑप्शन ये है कि यहाँ पर आपको एक कंपाइल्ड फॉर्म में सारा कंटेंट मिल जाएगा, तो आप सारी जो है यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप इनसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की यूनिट खुली है, अब आप देख सकते हैं इसमें 19 पेज हैं। आपको क्या करना है, आपके पास जो एनसीईआरटी है उससे टैली करना है कि फर्स्ट और लास्ट पेज का कंटेंट एग्जैक्टली सेम है या नहीं है। अगर है तो आपके पास जो एनसीईआरटी है वो नई एनसीईआरटी ही है, आपको उसी के हिसाब से चलना है। अगर नहीं तो आपको इस एनसीईआरटी के हिसाब से चलना होगा। तो ये तो अगर आप मार्केट से भी ला रहे हैं तो भी आप इंश्योर करके लाइए, इसके प्रीलिम्स वाले पेज पे जाके आप देख लीजिए कि कौन से ईयर का यहाँ पर एडिशन मार्क्ड है, और आप मार्केट में भी सेम एडिशन ईयर ही देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का जब आप बुक्स मार्केट में परचेस करने जा रहे हैं। और इसके साथ आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप सही एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, और एनसीईआरटीज़ स्पेसिफिकली नीट की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस एज पर एनसीईआरटी पूछे गए थे। अगर आपने एनसीईआरटीज़ अच्छे से की हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। वैसे भी 200 क्वेश्चन में से आपको 180 करने हैं, तो 20 क्वेश्चन का आपके पास हमेशा ही मार्जिन रहता है। तो आगे भी हम और इम्पॉर्टेंट सेशंस लेके आते रहेंगे आपकी नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।